गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 12 तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 13, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल डेट सी। एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है जहाँ सी ए और सी बी पर दो पॉइंट दे रखे हैं डी और ई। आपको प्रूव करना है ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो गिवन में क्या है हमारे पास, जो पॉइंट्स हैं डी एंड ई, डी पॉइंट है सी ए पर, ई पॉइंट है सी बी पर। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एंगल सी 90 है, ये गिवन है। आपको शो क्या करना है, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ये शो करना है। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगेगी हर एक क्वेश्चन में और सॉल्व हो जाएगा हर एक पार्ट में। तो ट्रायंगल लेते हैं पहले ए सी ई। इन ट्रायंगल ए सी ई, ए सी ई में ए ई क्या है, हाइपोटेन्यूस है, ए ई स्क्वायर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी में हाइपोटेन्यूस क्या है, बी डी 90 के सामने, तो बी डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो बी डी स्क्वायर हो गया बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। नेक्स्ट इन दोनों को सिंपल ऐड करना है, ए ई स्क्वायर लेफ्ट साइड हो जाएगी ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये आपकी लेफ्ट साइड आ गई ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। राइट में है ए सी सी ई बी सी सी डी। अब कंबाइन कैसे करने हैं, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, सी ई स्क्वायर और सी डी स्क्वायर एक ब्रैकेट में। ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर ने क्या बनाया, ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, इन दोनों ने मिलकर बना दिया ए बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसी इधर से बी सी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर क्या बनाएंगे, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये बनाएंगे बी डी स्क्वायर। तो ये आ गया आपका ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ये शो करना था। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, पहले ए ई और बी डी पर लानी है, ए ई हो जाएगा ए सी प्लस सी ई, बी डी हो जाएगा आपका बी सी प्लस सी डी। फिर सिंपल इनको ऐड करना है, ए बी ए सी और बी सी को एक ब्रैकेट में रखना है, सी ई और सी डी को एक ब्रैकेट में रखना है, ये बन जाएगा आपका ए सी प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और सी ई सी डी मिलकर बना देंगे डी ई स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, डायग्राम दे रखा है इंटरसेक्ट एट डी सच दैट डी बी इज थ्री टाइम्स ऑफ सी डी। एक ट्रायंगल दे रखी है जहाँ ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया बी सी पर, और ये दे रखा है जो डी बी है वो थ्री टाइम्स ऑफ सी डी है, यानी सी डी का थ्री टाइम्स करें तो डी बी बनता है। प्रूव दैट टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये शो करना है आपको। तो गिवन लिख लेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम ए इंटरसेक्ट एट डी सच दैट डी बी इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ सी डी, शो करना है टू ए बी स्क्वायर इक्वल टू टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। डी बी कितना, थ्री टाइम्स ऑफ सी डी, ये आपको गिवन है। और बी सी क्या है, बी सी कैन बी रिटन एज बी डी प्लस सी डी, सी डी प्लस डी बी, तो डी बी कितना है, थ्री टाइम्स ऑफ सी डी, यहाँ पुट किया थ्री टाइम्स ऑफ सी डी ए और सी डी ए हो गया फोर टाइम्स ऑफ सी डी। यहाँ से सी डी की वैल्यू आ गई वन फोर्थ ऑफ बी सी, सी डी की वैल्यू आ गई वन फोर्थ ऑफ बी सी। इसी तरह डी बी की निकालेंगे, डी बी क्या है, थ्री टाइम्स ऑफ सी डी, सी डी की जगह पुट कर दिया बी सी बाय फोर, तो सी डी को रिप्लेस कर दिया बी सी बाय फोर से, तो ये हो गया थ्री बी सी बाय फोर। अब राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ए डी सी, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ए डी सी पर, ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। फिर राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे ए डी बी, इसमें ए डी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, तो जो ए डी स्क्वायर है वो ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर भी है, ये ए डी स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर भी है, इसका मतलब दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है वन एंड टू में, तो राइट भी क्या हो जाएंगी इक्वल, दैट मीन्स ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर। अब सी डी क्या है, सी डी है वन फोर्थ ऑफ बी सी, और जो आपका डी बी है वो क्या है, थ्री फोर्थ ऑफ बी सी, इसको पहले ही बी सी में कन्वर्ट कर दिया हमने,
ये हो गया बी सी स्क्वायर बाय 16, ये हो गया 9 BC² बाय 16। इस 9 को इधर ले आए, प्लस का हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई किया, 9 - 1 8, 8 बाय 16 1 बाय 2। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। 2 LCM लिया, ये हो गया 2 AC² प्लस बी सी स्क्वायर, जो LCM लिया उसको क्रॉस कर दिया, 2 AB²। तो यही शो करना था, 2 AB² इक्वल टू 2 AC² प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमें शो करना था। तो CD निकाला हमने 3 1/4 ऑफ BC, इसी तरह DB निकाला 3/4 ऑफ BC। दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगा के AD² की वैल्यू निकाली, उसको कंपेयर कर दिया, AD² की वैल्यू को कंपेयर करते ही CD और DB की वैल्यू BC की फॉर्म में पुट कर दी, और ये आ गया आपका सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, D इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट BD इज 1/3 ऑफ BC। प्रूव करना है 9 AD² इक्वल टू 7 AB² इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, सारी साइड्स इक्वल होंगी, इनका यूज करेंगे। D पॉइंट है BC पर सच दैट BD क्या है 1/3 ऑफ BC। अब कंस्ट्रक्शन में हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, AE परपेंडिकुलर टू BC। अब जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। पहले तो ये इक्विलेटरल है इसलिए सारी साइड्स इक्वल होंगी। AE परपेंडिकुलर टू BC है और ABC क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो BE हाफ ऑफ BC हो जाएगा। इसी तरह EC भी हाफ ऑफ BC हो जाएगा। क्यों होगा? परपेंडिकुलर इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बाइसेक्ट द साइड ऑन विच परपेंडिकुलर इज ड्रॉन। जो AE है ये बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स BE इक्वल टू CE। तो BE हो गया हाफ ऑफ BC। राइट एंगल ट्रायंगल ली AED, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है इस पर, क्या हो जाएगा AE² इक्वल टू AD² माइनस TE² नेक्स्ट पाइथागोरस थ्योरम लगानी है AEB पर। पहले तो स्मॉल ट्रायंगल पर लगाई हमने AED, अब लगाएंगे AEB पर। AEB पर इसमें AE² क्या हो जाएगा AB² माइनस BE² AB² माइनस BE² तो ये भी AE² की वैल्यू है, ये भी AE² की वैल्यू है। AD माइनस DE, यहाँ से AB माइनस, तो इसकी लेफ्ट साइड इक्वल है, तो दोनों की राइट साइड क्या हो जाएगी इक्वल। दैट मीन्स AD² माइनस DE² इक्वल टू AB² माइनस BE² अब इनकी वैल्यू निकालते हैं। DE ये पार्ट है, इट कैन बी रिटन एज BE माइनस BD। BE क्या है हाफ ऑफ BC, अभी हमने यहाँ पर दिखाया था, और BD क्या है 1/3 ऑफ BC, ये गिवन है आपको 1/3 ऑफ BC। तो BE क्या था हाफ ऑफ BC और BD क्या है 1/3 ऑफ BC। तो DE की वैल्यू आ गई हाफ ऑफ BC माइनस 1/3 ऑफ BC, इसका स्क्वायर, इधर से BE की वैल्यू पुट कर दी हाफ ऑफ BC, इसको सिंप्लीफाई किया, LCM 6 आ गया, 3 माइनस 2 BC, 1 BC, तो ये हो गया BC² बाय 36, ये हो गया BC² बाय 4। अब क्या करना है, इन BC² वाली वैल्यूज कंबाइन करनी है, तो इसको कंबाइन किया, इसको उधर ले गए, पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर BC की जगह AB पुट किया, क्योंकि जो आपको सॉल्यूशन दिखाना है वो AD और AB में दिखाना है, BC नहीं होना चाहिए, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो BC क्या हो जाएगा AB, BC की जगह पुट कर दिया यहाँ पर AB² AB² ये सारी इक्वेशन AB में। सिंपल LCM लेना है, 36 LCM आ जाएगा, ये 36 AD² ये बन जाएगा आपका 28 AB² 4 से डिवाइड कर दिया, 9 AD² इक्वल टू 7 AB² ये शो करना था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ 1 साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ 1 ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है, 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 साइड, किसी भी एक साइड का स्क्वायर जो है उसको 1/4, उसको 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड शो करना है। तो हमने क्या लिया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले ली ABC, इसमें AB, BC और CA क्या हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, शो क्या करना है 3 टाइम्स ऑफ 1 साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो जो एल्टीट्यूड ड्रॉ करा हमने 4 AD² शो करना है। अब BD किसके इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ BC, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसको बाइसेक्ट करेगा, तो BD क्या हो जाएगा हाफ ऑफ BC। इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, AB² क्या हो जाएगा AD² प्लस BD² और BD क्या है हाफ ऑफ BC, तो ये हो जाएगा BC² बाय 4। अब ये इक्विलेटरल है तो BC को AB में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि हम इन AB को कंबाइन कर सकें, AB² माइनस
ए बी स्क्वायर बाय फोर को कंबाइन किया, एलसीएम लिया, फोर ये हो गया फोर ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर दैट इज़ थ्री ए बी स्क्वायर, ये क्रॉस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा फोर ए डी स्क्वायर दैट इज़ थ्री ए बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए डी स्क्वायर। सिंपल है, बी डी हो जाएगा हाफ ऑफ बी सी, तो ए बी स्क्वायर हो गया ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, बी डी की वैल्यू बी सी में पुट की, अब बी सी इक्वल टू ए बी रख दिया क्योंकि ये सारी इक्वेशन हमें ए बी में चाहिए, सिंगल वेरिएबल सिंगल लाइन चाहिए हमें, चाहे ए बी में करें चाहे बी सी में कन्वर्ट करें, चाहे इसको बी सी लिखें चाहे इसको ए बी लिखें, एक ही बात है। सिंप्लीफाई किया और ये आ गया थ्री टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर इज इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ एल्टीट्यूड स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन है, टेक द करेक्ट आंसर, ट्रायंगल ए बी सी में ए बी ए सी बी सी दे रखा है, कौन एंगल बी कितना बनेगा। ए बी ए सी और बी सी तीनों की लेंथ दे रखी है, अब तीनों का स्क्वायर निकाल कर अब ये चेक करेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। इक्विलेटरल तो ये है नहीं, सबकी साइड इक्वल नहीं है तो 60 तो हो नहीं सकता आंसर। तो ए बी है 6√3 का स्क्वायर किया 36 इंटू 3 108, बी सी 6 है 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ए सी 12 है 12 का स्क्वायर 144। अब चेक करते हैं 36 प्लस 108 144 बन रहा है, यस। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, ए सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ रहा है इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो इसका मतलब जो इस ए सी है इसके अपोजिट राइट एंगल होगा, राइट एंगल क्या बन जाएगा आपका एंगल बी। इसका मतलब बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ए बी सी इज अ ट्रायंगल इन विच एंगल बी इज ऑफ 90 डिग्री, ये राइट एंगल ट्रायंगल बी बन गई और एंगल बी कितना हो गया 90 डिग्री, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा सी दैट इज 90 डिग्री। तो ये थी एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट हो गई है, थैंक यू।